ये जालौर वर्सेज नागौर मुकाबला स्टार्ट हो चुका है। पहली रेड नागौर की तरफ से। फर्स्ट पॉइंट नागौर को। पहला सेमीफाइनल देख रहे हैं आप महिला वर्ग का। सॉरी सर, सॉरी। जी हाँ, दो पॉइंट मिले हैं नागौर के खाते में। लाइव शुरुआत हो गई। जालौर की खिलाड़ी में एक पॉइंट मिलेगा। बिल्कुल यहीं पे जालौर के जो पॉइंट वो बढ़कर हो गए हैं तीन। पास जाके जब खुद को लगे कि मैं संभाल सकता हूँ खिलाड़ी को, तो करने में फ़ायदा है। क्योंकि ये जो मैच है जो सेमीफाइनल हो रहा है, अगर ये मैच जीतते हैं तो फाइनल में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे सोच समझ कर खेलना होगा खिलाड़ी को। अभी चार खिलाड़ी बचे हैं जयपुर की टीम में, तीन खिलाड़ी भाग रखे हैं। संघर्ष जारी है, देखते हैं कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है। ये पहला सेमीफाइनल आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, तो फाइनल मैच और सेमीफाइनल मैच इंसान देखना चाहता है। अगर आप देख रहे हैं और आप चाहते हैं किसी को भी दिखाना, तो जरूर वीडियो को शेयर करें। हमें भी आशा है कि आप जरूर वीडियो को शेयर करेंगे। एक पॉइंट मिलेगा नागौर की टीम को।
नागौर के पांच, नागौर के पांच पॉइंट। सुपर टैकल थी और सुपर टैकल में अच्छा टैकल किया जालौर की टीम ने और दो पॉइंट गेन किए अपने खाते में। जालौर के को समझाते हुए अपनी टीम को कि यहाँ पे थोड़ी सी भी अगर गलती करते हैं तो हारने के ऊपर गई हो जाएंगे, तो कृपया करके किस तरह डिफेंड करना है, किस तरह का डालना है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। वहाँ पर उनका जीत किया है और बिल्कुल पॉइंट मिलेगा, बिल्कुल पॉइंट मिलेगा टीम को। छह पॉइंट हुए हैं जालौर के, जालौर अभी पीछे आ गए इस बार लगा एक साथ छह पॉइंट लिए थे नागौर की टीम ने और अपनी अच्छी बढ़त की थी अंकों में। ये जो आप रेडर देख रहे हैं जिसके सब पर पट्टी बनी हुई है, जो रेड डाली गई है, जिस दिन मैच स्टार्ट होते हैं यानी कि 16 अक्टूबर को और यहाँ आने के अगले दिन ही उनके पापा एक्सपायर हो गए थे, दोस्तों इसी लड़की का जज्बा है टीम खेलने का कि ये चाहते तो अपने घर भी जा सकती थी लेकिन ये यहाँ पर है। तो दोस्तों इस लड़की के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना क्योंकि ये खेलती हुई यहाँ सेमीफाइनल तक पहुँची है जालौर की खिलाड़ी जो कि अपने पापा को अंतिम संस्कार में भी ले गई। केवल एक दिन के डिफरेंस में 16 तारीख को आए थे और 17 तारीख को उनके पापा का ध्यान हो गया था, फिर भी यहाँ पे पॉइंट नहीं मिल पाई नागौर की लड़की, एक पॉइंट मिलेगा जालौर को। दो पॉइंट लिए हैं जालौर की टीम, यहाँ पे जालौर के पॉइंट हो गए हैं।
सुपर टैकल था, यहाँ पे दो पॉइंट मिलेंगे नागौर को। इस तरह जब करना चाहिए था तब टीम की प्लानिंग हो, अकेले जाके ऐसे हेडर को पकड़ना नुकसानदायक हो सकता है टीम के लिए। बोलो भी यार थोड़ा बहुत बोल तो रहा हूँ। देख कितना बोलो, और यहाँ पर नागौर का स्कोर 21 है और जालौर का 10। 11 पॉइंटों से बढ़त बना रखी है नागौर टीम, और ये जालौर की रेडर स्टेप बाय स्टेप रेड देते हुए कॉर्नर पे रेड कर रही है ये, और पॉइंट अपनी टीम के लिए पॉइंट लेने के लिए कोशिश कर रही है। और ये नागौर की 6 नंबर रेड देते हुए और यहाँ पर एक पॉइंट लेने में कामयाब हुई है नागौर टीम, और स्कोर बढ़कर 21 की जगह 22 हो गया, 22-10 का स्कोर चल रहा है। नागौर टीम के कोच अपनी टीम को कोचिंग देते हुए और साथ में ही जालौर टीम के कोच भी अपनी टीम को कोचिंग दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस हिसाब से अपन ऐसी टेक्निक अपनाएं कि अपन नागौर टीम की बराबरी कर सके या जीत सके, उसके लिए गाइड कर रहे हैं अपनी टीम को। और ये टाइम आउट का समय पूरा हुआ, और मैच में ऑफिशियल एम्पायर अपने विष्णु शर्मा और सुरेंद्र चौधरी लगे हुए हैं, और रेफरी की भूमिका राजपाल सिंह शेखावत निभा रहे हैं। और यहाँ पर डू और डाई रेड है, और ये नागौर की टीम ने रेडर को दबोच लिया। डू और डाई रेड में पॉइंट लेना बहुत अनिवार्य होता है, और नागौर की एक नंबर खिलाड़ी रेड देते हुए, और जालौर एक पॉइंट लेने में कामयाब हुए। जो लाइक नहीं कर रहे क्या अपने देख रहे हैं, जब वो बाद में डालेंगे तब होगा। और ये जालौर की रेडर रेड देते हुए पॉइंट लेने के लिए बहुत ही अच्छी रेड दे रहे हैं, लेकिन अभी पॉइंट नहीं निकल रहा है, क्योंकि नागौर की जो टीम है बहुत डिफेंस अच्छा है, उसका तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। और फिर नागौर की एक नंबर खिलाड़ी रेड देते हुए, यहाँ पर सुपर टेकल का चांस भी हो सकता है, दो खिलाड़ी हैं ग्राउंड में। रेडर रिस्क नहीं लेगा ज्यादा यहाँ, क्योंकि बढ़त बनाए रखी है नागौर टीम। और यहाँ पर हाफ टाइम हो चुका, हाफ टाइम स्कोर नागौर 24 और जालौर 10। सेकेंड हाफ स्टार्ट होता हुआ, नागौर 24 और जालौर 10। अच्छी लीड दे रखी है नागौर ने जालौर को, 14 अंकों की लीड है, और केवल दो खिलाड़ी शेष हैं जालौर की टीम में। Yes, sir.
गई, हाफ स्टार्ट हो चुका है और पहली रेड ये डाली जा रही है और यहाँ पर ब्लैंक रेड जाती हुई, केवल दो खिलाड़ी स्पीस है। और यहाँ पर पूरी कोशिश है पॉइंट एकत्रित करने की नागौर की द्वारा। नागौर को पॉइंट मिलेगा क्योंकि खिलाड़ी पूरा टाइम हो चुका था डालने का और वो खिलाड़ी बाहर गई। रेड लगाई है जालौर की, जिनके बारे में बात कर रहा था, इतने घर गृहस्थ के पारिवारिक मामलों को छोड़ते हुए यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन कर रही है मैच में। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी फर्स्ट हाफ में टीम के साथ क्या घटित हुआ था। और ये पॉइंट मिलेगा अभी नागौर को, अंदर जाकर टच करते हैं खिलाड़ी को, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट मिलेगा। एक जालौर का 28 और ये पॉइंट अभी दिखाई नहीं दे रहे, नागौर के 28 पॉइंट और जालौर के हैं 10 या 12 पॉइंट। और ये रोक दिया गाड़ी को, रोक दिया सेमीफाइनल हो रहा है। वहीं दूसरे कोर्ट पर टीमें आ चुकी हैं सीकर और जयपुर की, जिनके बीच में मुकाबला होने वाला है। और ये बहुत ही अच्छी रैड बीच में जाके गलती की जालौर की टीम की खिलाड़ी ने, छोटी छोटी गलतियाँ हैं उनकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब ऐसा मैच हो, क्योंकि ये जो सेमीफाइनल है यहीं से डिसाइड होता है कि फाइनल पहुँचती नहीं पहुँचती। खिलाड़ी बहुत का डिफरेंस 16-30 ज़्यादा अपनी फॉर्म में आ रही है धीरे धीरे। यहाँ से अभी तक 16 पॉइंट थे और ये 17 पॉइंट पूरे हो चाहिए, 30 पॉइंट है नागौर का अभी तक, अच्छी लीड दे रखी है नागौर ने। अगर जालौर लीड छोड़ पाती है तो जालौर फाइनल में पहुंच जाएगी, वरना नागौर अपनी फाइनल में जगह बना लेगी और यहाँ से निकलना मुश्किल है। डुबकी लगाने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रही जालौर की खिलाड़ी।
से अच्छी बहुत ही अच्छी रैंक डाली है नागौर की खिलाड़ी ने। हालांकि टैकल करने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रही नागौर की टीम। नागौर के 17 पॉइंट हैं, सॉरी नागौर के हैं 33 पॉइंट और जालौर के हैं 17 पॉइंट। एक पॉइंट मिलेगा जानो तो 17 की जगह 18 होते हुए और इधर 21 पॉइंट है नागौर के पास। अभी तक अच्छा खासा है अगर बेटा बनाकर रखा हुआ है नागौर की टीम में, ऐसे ही चलता रहा कि नागौर फाइनल में जरूर पहुँचेगा। लेकिन गेम का कुछ नहीं कह सकते, आज यहाँ पर ऐसे कई मैच देखे जहाँ पर गेम करते हैं नागौर ने छोटी सी गलती, एक साइड की छोटी गलती दूसरी साइड की कामयाब हो जाती है। चौंतीस अठारह एक पॉइंट मिला है नागौर को, पॉइंट बढ़कर हो गए हैं 36। बहुत अच्छी लीड है जालौर के खिलाड़ी को चोट आई है और बेहोश हो गई है। फिलहाल उसे उसे लाने की कोशिश की जा रही है। जालौर का खिलाड़ी बेहोश हो गई है। मैच कंटिन्यू जारी है, ये रेड डाली जा रही है जालौर की तरफ से। इस बार कुछ गुस्से में है जालौर की टीम, उत्साह में है क्योंकि एक खिलाड़ी होश हुआ इंजर हुआ है तो दुख होता है टीम को, गुस्सा आता है। अभी दो खिलाड़ी बचे हैं नागौर की जालौर की टीम में और नागौर का दबदबा बना हुआ है। 39-21 का स्कोर है, 39 पॉइंट
एक पॉइंट फिर से मिलता हुआ नागौर को, और इस साल तो हो गए 40 पूरे, 40 पॉइंट, 40 है नागौर के और 21 जालौर के। ये जालौर की टीम होगा, यहाँ पे 3 पॉइंट मिलेंगे नागौर की टीम को, और पॉइंट बढ़कर हो गए हैं 43, नागौर के पॉइंट 43 और जालौर के पॉइंट 21। दूर भाई रह रहे हैं, यहाँ पे अनिवार्य है पॉइंट लेना, और बिल्कुल बिल्कुल एक पॉइंट मिलेगा जालौर की टीम को, क्या खिलाड़ी को बहुत बड़ा कामड़ा है 22 और 43, 21 पॉइंट का डिफरेंस है, बहुत बड़ी लीड दे रखी है जालौर को नागौर में, यहाँ पर फिर एक पॉइंट मिलेगा जालौर को, जालौर के पॉइंट हो गए 23 वहीं पे। अच्छी रन डाली थी जालौर की तरफ से, 28 पॉइंट हो गए हैं जालौर के, और ऑल आउट के पकड़, ऑल आउट की पकड़ कर नागौर और यहाँ पे होल्ड किया खिलाड़ी को, और ये ऑल आउट नागौर, यहाँ पे 4 पॉइंट मिलेंगे, सॉरी 2 पॉइंट मिलेंगे जालौर को, और पॉइंट बढ़कर हो गए हैं, और 44 पॉइंट नागौर के 44 और जालौर की, अभी जालौर के पॉइंट चेक कर रहे हैं रख लो, और यहाँ पे खिलाड़ी को चोट पर चोट लगे जा रही है, जालौर की खिलाड़ी अभी बेहोश हुई थी, फिर से दूसरी खिलाड़ी बेहोश हो गई है, सर में चोट आई है और पेट में भी चोट आई है खिलाड़ी को, ठीक है, पहली जो खिलाड़ी उनको बेहोश हो गई थी उनको टेबल पर लिटाया गया है, आप देख सकते हैं टेबल पर लिटाया गया है, और दूसरी की हल्की चोट आई है, रेड डाली जा रही है नागौर की तरफ से, रिकॉर्डिंग हो रहा पूरा मैच बहुत शानदार है नागौर की तरफ से, यहाँ पे पॉइंट बढ़ता हुआ 46, चारों तरफ से डाली जा रही है, अच्छा खासा डिफेंस है, यहाँ पे होल्ड कर लिया खिलाड़ी को नागौर के पॉइंट हैं 48 और जालौर के पॉइंट हैं 31, 17 पॉइंट की लीड, समय पूरा होने वाला है, यहाँ पे 1 पॉइंट मिलेगा बच्चे हैं, अंतिम 2 मिनट शेष, और यहाँ पे 2 खिलाड़ी बचे हुए हैं नागौर की टीम और जालौर की टीम में, और यहाँ पे बहुत शानदार रेड, यहाँ पे 1 पॉइंट मिलेगा पूरा पूरा, 2 पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे क्योंकि ये सुपर टैकल था,
पे 3 पॉइंट मिले हैं टीम को और पॉइंट बढ़कर हो गया है 54। वहीं पे जालौर के पॉइंट है 31। देखिए फिनी ये अच्छी जाल और पैर घुमा के मिडलाइन को टच किया, यहीं पे 2 पॉइंट और मिलेंगे। यहाँ से 54 से बढ़कर 56 स्कोर हो गया है, 56 स्कोर हो गया है नागौर का। और लास्ट केवल सेकंड नहीं बची है, अंतिम रेड जालौर की तरफ से। अभी जालौर के पॉइंट है 31 और वहीं नागौर के पॉइंट है 56। और ये पहला सेमीफाइनल जो जीतती है, जीती हुई जा रही है नागौर। अभी इसका ऐलान भी होने वाला है सेकंड ओवर। यहीं पे बहुत भारी लीड के साथ नागौर टीम पहुंच चुकी है सेमीफाइनल का पहला मुकाबला समाप्त हुआ और जीता है नागौर की टीम ने। और यहीं पर ये पहुंच चुकी है फाइनल में। इसके बाद मुकाबला होगा दो टीमों का, उसमें वो भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।